वेलकम टू सजीर बाइक गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है टीवीएस कंपनी का फोनेक्स बाइक मेरे पास कल से आया है और इस बाइक में सेल्फ की बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो कल मैंने जैसे कि रिले को भी चेकअप किया था, रिले सही था, बट स्विच जो था स्विच हमने देखा स्विच ख़राब था। स्विच लगाने के बाद सेल्फ का उपयोग कर रहा था, सेल्फ ठीक हो रहा था, बट फिर आज सुबह जब बाइक को चेकअप कर रहा है एक दो कस्टमर आने वाला है और बाइक के देंगे तो फिर मैंने सोचा कि सेल्फ मार के देख ले, फिर भी सेल्फ नहीं ले रहा है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ सेल्फ स्टार्ट जैसे कि टीवीएस कंपनी का फोनेक्स बाइक में अगर ख़राब होता है तो हम लोग कैसे जांच करें जो क्या हुआ है, सेल्फ की पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में। क्यों मुझे इस बाइक को आज ठीक कराना है, अगर आज ठीक नहीं करेंगे तो अगर कस्टमर को बाइक दे देंगे फिर ख़राब हो जाए तो मेरा नाम ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आज इस बाइक का जो सेल्फ है इसे अच्छी तरह से ठीक करूँगा और कस्टमर को दूंगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बैटरी का वोल्टेज चेकअप करेंगे जो वोल्टेज हम लोग का सही है कि नहीं। यहाँ 12.92 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब बैटरी का वोल्टेज सही है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ रिले में हम लोग क्या क्या चेकअप करें। सबसे पहले हम लोग उपयोग करेंगे जो इसमें हम लोगों का जो रिले है, रिले में हम लोग को सिर्फ देखना है वोल्टेज और बॉडी अर्थिंग। फिलहाल टीवीएस फोनेक्स बाइक में वोल्टेज ऑटोमेटिक इग्निशन ऑन करने से आ जाएगा, जो सेल्फ मारने से हम लोग का बॉडी अर्थिंग आएगा क्योंकि इसका सिस्टम अलग है। तो मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर में 20 में किया और जैसे कि इग्निशन को ऑन करेंगे और यहाँ हम लोग को देखने को मिलेगा ऑरेंज कलर की वायर। तो ऑरेंज कलर की वायर में हम लोग को वोल्टेज मिलेगा, तो चलो कहीं भी ऐड कर देंगे। बैटरी का नेगेटिव में लगाएंगे तो यहाँ देखिए 12 वोल्ट मिल रहा है। तो गाइस हम लोग वोल्टेज चेकअप किया, अब हम लोग बॉडी अर्थिंग चेकअप करेंगे। तो ब्लैक में जो रेड कलर की वायर है इसमें हम लोग एक वायर लगाएंगे और मल्टीमीटर को कंटिन्यू में करेंगे और जिसमें कि कहीं भी हम लोग इंजन का साथ सपोर्ट करेंगे। चलो सेल्फ के उपयोग कीजिए। तो यहाँ बॉडी अर्थिंग नहीं मिल रहा है, तो एक प्रॉब्लम है हम लोगों का, बॉडी अर्थिंग कहीं से नहीं आ रहा है। जो ब्लैक कलर में रेड कलर की वायर है जो वायरिंग के साथ रिलेटिव है, वायरिंग ख़राब भी हो सकता है। स्विच तो मैंने कल लगा दिया है बट हम चेकअप करेंगे रिले हम लोग का सही है कि नहीं और सेल्फ सही है कि नहीं, तो किसका ईपीएस से हम लोग जैसे कि जांच करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। रिले में आप लोगों को एक कपलर देखने को मिलेगा, एक वायर इसमें अटैच करेंगे और एक वायर इसमें अटैच करेंगे, ठीक है कर दिया है। अब जैसे कि एक एक करके बॉडी अर्थिंग देंगे एक वायर में और एक वायर में वोल्टेज देंगे। अगर यहाँ से हम लोग को सेल्फ चालू होता है जैसे कि इसको टच करने के बाद तो हम लोगों को पता चल जाता है कि सेल्फ रिले सब सही है। तो चलो तो यहाँ चालू हो गया है गाइस, लेकिन पहले बंद करो, पहले जब मार रहा था कट 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 कर रहा था। तो अब हम यहाँ से चेकअप करेंगे कपलर लगाने के बाद। तो गाइस यहाँ से भी अभी ले रहा है, देखिए देखो किट 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 कर रहा है, देखो किट 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 कर रहा है। तो क्या जो फॉल्ट है अभी भी परेशान कर रहा है। तो हम लोग इसमें वोल्टेज चेकअप करेंगे जो 12 वोल्ट की सप्लाई इसी जगह पर आ रहा है कि नहीं, तभी हम लोगों को पता चल जाएगा। सेल्फ का उपयोग करो, रुको सेल्फ का उपयोग करो, रुको रुको रुको, दो 7 वोल्ट आ रहा है। चलिए एक एक वोल्ट का वायर लगाते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए कट 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 कर रहा है, ठीक है कट कट कर रहा है। तो नोच प्लस लाइए। तो सो गाइस अभी जैसे कि रिले लगाता हूँ और तो हम लोग का किड़किड़ किड़किड़ कर रहा है, देखिए कभी ले रहा है कभी नहीं ले रहा है, देखो किड़किड़ किड़किड़ कर रहा है, देखो। अब हम लोग चेकअप करेंगे डायरेक्ट करके, तो इस वायर को और इस वायर को शॉर्ट करेंगे, अगर सेल्फ चलता है तो रिले खराब है। बंद करो, इससे भी काम नहीं बन रहा है।
तो गाइस देखो, कभी कभी हम लोग का ले रहा है, कभी कभी नहीं ले रहा है। इसका मतलब हम लोग का बाइक में जो सेल्फ है वो सेल्फ खराब हो गया है, सेल्फ का कारण ऐसा हुआ है। तो बहुत ही दिक्कत हो रहा था, कभी रिले हम लोग का काम नहीं कर रहा है, कभी ये नहीं काम कर रहा है। तो कल मैंने स्विच लगा दिया है, तो सेल्फ हम लोग खोलेंगे, सेल्फ खोल के देखेंगे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ है। सेल्फ कार्बन उतना हम लोग का ख़राब नहीं हुआ है, कार्बन चलने वाला था, बट क्या करेंगे फिर भी हम लोग कार्बन मैंने जैसे कि लगा दिया। देखिए ये कार्बन मैंने लगाया हीरो कंपनी का जेनुइन। तो चलिए ये सब कुछ लगाने के बाद हम देखते हैं एक्चुअली सेल्फ के अंदर प्रॉब्लम है या ख़राब है। कभी कभी क्या होता है, आर्मेचर भी हम लोगों का ख़राब हो जाता है और कुछ प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सेल्फ का कार्बन भी मैंने लगा दिया है और वायरिंग को मैंने खोल के देखा है कि वायरिंग के अंदर कुछ मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था। तो इस चीज़ को देखने के लिए जो हम लोग का सेल्फ का जो रिले है इससे बोल्ट और बॉडी अर्थिंग जहाँ से आता है मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये है कपलर सेल्फ का रिले का। तो रिले से जो बोल्ट आता है डायरेक्ट इग्निशन ऑन करने से हम लोग का ऑरेंज कलर में वोल्टेज 12 वोल्ट की आ जाएगा। अब सवाल है बॉडी अर्थिंग कहाँ से आता है। तो गाइस बॉडी अर्थिंग के लिए जो हम लोगों का ब्लैक में रेड है वो हम लोगों का जैसे कि CDI से आता है, यही होके जाता है। CDI का जो कपलर है इससे हम लोगों का ऐसे जैसे कि सेल्फ मारने से इसमें हम लोग का बॉडी अर्थिंग आएगा और यहीं से आएगा। क्यों गया है इसमें हम लोग को डायरेक्ट दिया जाता है। अचानक बाइक अगर गियर पे रहे और क्लच का यूज किया तो उस वक्त क्या होता है न्यूट्रल का लाइट जल जाता है, इसलिए CDI से कनेक्शन कर लिया। बट TVS कंपनी का जो लाइन है वो अलग है, पुश करने से हम लोग को वोल्टेज नहीं आएगा, पुश करने से हम लोग का बॉडी अर्थिंग आएगा। तो हमने सब कुछ वायर चेकअप कर लिया, कहीं भी कटा हुआ नहीं है। तो चलो वायर को जोड़ लगाता हूँ, लगाने के बाद हम लोग अच्छी तरह से चेकअप करेंगे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो सो गाइस मैंने वायरिंग को फिटिंग कर लिया है और यहाँ देखिए क्लच स्विच भी मैंने नया डाला है। अब जैसे कि डालने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जो सेल्फ हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए फिर उसी तरह से हालत है, जो कट कट कर रहा है और काम नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं कुछ अलग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। ये हम लोग का डिस्कवर का सेल्फ है, इसे सिर्फ हम लोग यूज करेंगे उसमें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये रनिंग हम लोग का सेल्फ है, ये यहाँ काम कर रहा है कि नहीं, एकदम सही सही करके काम कर रहा है। अब चलो इस कपलर को हम लोग खोलेंगे और यहाँ अटैच करेंगे, ठीक है, और बॉडी अर्थिंग कर देंगे गाइस। चलिए चल दो अभी इग्निशन ऑन करो, दबा के छोड़ो, तब एकदम कट 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 कर रहा है और जैसे कि हम लोग का वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो गाइस मैंने बहुत ही चेकअप किया और यहाँ मैंने गौर किया जो इसी जगह में एक होता है हम लोग का बॉडी अर्थिंग, देखिए, और वायरिंग यहाँ जो हम लोग का लगा हुआ है गाइस इसे मैंने गौर नहीं किया था और बहुत ही छोटा तार है इसे चिपक के रह गया है। तो इस वायर जो है गाइस बॉडी अर्थिंग ये वायरिंग में हम लोग का जाता है हार्नेस पर। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अर्थिंग है गाइस ये अर्थिंग इंजन का साथ संपर्क है और इंजन बॉडी का साथ संपर्क है। तो ये वाला जो वायर है और यहाँ जो बॉडी अर्थिंग दिया गया है ये तो हम लोग को लगभग कनेक्शन मिल जाएगा, बट मैंने सोचा कि ये अगर बॉडी अर्थिंग ना दे तो भी काम चलेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का बॉडी अर्थिंग इंजन में लगा हुआ है। तो फिलहाल मुझे लगता है इसको हम लगाएंगे गाइस। देखिए चलिए इसको टच करेंगे। अब सेल्फ का उपयोग करने से बाइक का सेल्फ चालू हो गया है, बंद करो। तो गाइस यही फॉल्ट है, तो मुझे ये बॉडी अर्थिंग सही करना है। 8 नंबर T दीजिए। तो गाइस फॉल्ट हम लोग का यहाँ है, देखिए कितना कचरा है और ये नाट हम लोग का ज़्यादा टाइट करा हुए भी नहीं था, यहाँ नहीं मिल रहा है तो हमें यहाँ खरोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ एकदम चिपक गया है, इसे सफाई करना पड़ेगा। तो हमने सफाई कर दिया है और ये नाट को हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे, टाइट करेंगे। तो चलो नाट टाइट करने के बाद अब हम लोग का बॉडी अर्थिंग मिल रहा है कि ना वो चेकअप करेंगे। इस नाट को हम लोग को हेवी टाइट करना है, बस अब हम लोग जैसे कि सेल्फ का उपयोग करेंगे। ये खुला रहने दीजिए। तो गाइस सेल्फ स्टार्ट काम कर रहा है। अब हम लोग पुरानी वाली रिले लगाएंगे।
मुझे पहले ही डाउट था कि रिले भी हमारा सही है, बट समझ नहीं पा रहे थे। बस हम लोग करेंगे वायरिंग को भी एक बैटरी से वोल्टेज दे देंगे गाइस, जिसमें कि बॉडी अर्थिंग का समस्या ना हो और प्रॉब्लम ना हो। तो बॉडी अर्थिंग वायरिंग में भी चला गया है और यहाँ से भी चला गया। ये वायर कट जाता है तो ये बॉडी अर्थिंग हम लोग का काम करेगा, बट यहाँ हम लोग का लूज था और ये भी हम लोग का कटा था, इसका कारण बाइक में इतना प्रॉब्लम हुआ। तो मुझे बहुत ही परेशान खास करके इस बाइक में किया है। तो ये स्विच, क्लच स्विच, रिले मुझे बदलना पड़ा। आप लोगों ने देखा आज मुझे इतना परेशान किया इस बाइक ने, जो कभी भी कोई भी बाइक ने नहीं किया, थोड़ा सा मिस्टेक के कारण। हम लोग तो बैटरी वोल्टेज चेकअप कर लेते हैं, स्विच चेकअप कर लेते हैं, क्लच स्विच चेकअप कर लेते हैं, रिले भी लगा देते हैं, मोटर भी खोल लेते हैं, बट ये नहीं देखते हैं जो बॉडी अर्थिंग हम लोग का सही जा रहा है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो बैटरी से हम लोग का बॉडी अर्थिंग जाता है इंजन में, जो मोटा वायर, उसको भी हम लोग जैसे कि खोल के देखना है जो बॉडी अर्थिंग मिल रहा है कि नहीं। बट इसमें फॉल्ट था हम लोग का, जो वायरिंग का जो इस जगह पर तार था, ये हम लोग का जैसे कि कटा हुआ था और यहाँ का बॉडी अर्थिंग हम लोग का लूज कर रहा था, तो इसीलिए कभी कभी ले रहा था, कभी कभी नहीं ले रहा था। तो मैंने कैसे समझा, जो हमारे सेल्फ का जो मैंने तो सोचा सेल्फ ख़राब हो गया है, सेल्फ बदलना पड़ेगा, 2000 रुपया लगेगा, बट मेरे पास रनिंग सेल्फ था, तभी मैंने इसको लगा के देखा, फिर भी उसी तरह से एक हालत हो रहा है जो किट 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 कर रहा है। तो मैंने सोचा और भी कुछ फॉल्ट है। एक है मोटर में हम लोग का वोल्टेज और बॉडी अर्थिंग परफेक्ट अगर जाएगा तो मोटर काम करेगा। वोल्टेज तो परफेक्ट मिल रहा है बट बॉडी अर्थिंग नहीं मिल रहा था। तो इतना मेहनत मैंने किया और जैसे कि 2 घंटा लग गया मेरा बाइक ठीक कराने में, जैसे कल से मैं बाइक ठीक कर रहा था। तो इतना टाइम आप लोग वेस्ट नहीं करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो सेल्फ उपयोग के लिए आप लोग को जैसे कि यहाँ पर आप लोग वोल्टेज ऑटोमेटिक इग्निशन लाइन पे आ जाएगा ऑरेंज कलर की वायर में, और जो हम लोग का ब्लैक में रेड कलर की वायर है, सेल्फ दबाने से बॉडी अर्थिंग आएगा, ठीक है। तो बॉडी अर्थिंग इसमें तो नहीं मिल रहा था, इसका कारण हम लोग का काम नहीं बन रहा था। तो यहाँ बॉडी अर्थिंग और वोल्टेज देखिए, वोल्टेज अगर आ रहा है और जैसे कि काम नहीं कर रहा है तो रिले हम लोग का ख़राब है। अब जैसे कि सेल्फ कैसे उपयोग किया, तो दोनों मोटा मोटा वायर को आप लोग जैसे कि डायरेक्ट करके, जैसे कि इसका उपयोग करके डायरेक्ट करके भी देख लीजिए सेल्फ मोटर सही है कि नहीं। तो फिलहाल मैंने वो सब नहीं करके देख लिया था, और जैसे कि मुझे डाउट हुआ था कि सेल्फ ख़राब है, तो फिर मैंने कार्बन चेंज किया। कार्बन लगाने के बाद ही मुझे समझ में आया कि नहीं, कार्बन भी सही था। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ काम नहीं करता है, कुछ चीज़ों का कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सेल्फ का अंदर होता है कार्बन, कार्बन ख़राब हो जाता है तो किट किट करता है, और जैसे कि रिले ख़राब हो जाता है तो भी किट किट करता है, जैसे सेल्फ का स्विच ख़राब हो जाता है तो भी हम लोग का सेल्फ काम नहीं करेगा, और गियर पर अगर सेल्फ स्टार्ट काम नहीं कर रहा है क्लच दबाने से, तो क्लच स्विच हम लोग को बदलना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को सेल्फ रिलेटिव पूरी जानकारी दी। तो वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीत बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ, फिर इंतजार कीजिए नेक्स्ट नया वीडियो के साथ।